आज लोकसभा में पेश होगा ट्रिपल तलाक बिल, बिल में 3 साल की सजा का प्रावधान। बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की आज बैठक होगी, अमित शाह की मौजूदगी में ट्रिपल तलाक बिल पर चर्चा संभव। बीजेपी ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, लोकसभा में आज और कल उपस्थित रहने को कहा गया। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा उम्मीद है कि विपक्ष साथ देगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ट्रिपल तलाक कुरीतियों से जुड़ा मुद्दा है, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ट्रिपल तलाक का आरोपी जेल जाएगा तो फिर परिवार को कैसे देखेगा। 3 तलाक बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूछा, जब शौहर जेल में होगा तो महिला का खर्च कौन देगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ट्रिपल तलाक बिल कुरान के खिलाफ तो हुआ तो स्वीकार नहीं होगा। 3 तलाक यानी तलाक के बिद्दत को गैर कानूनी अपराध माना जाएगा, बिल को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाले मंत्री समूह ने तैयार किया है। लिखित या जुबानी यानी फोन, SMS, व्हाट्सएप से ट्रिपल तलाक देना गैर जमानती होगा, 3 तलाक देने पर पति को 3 साल की सजा होगी। बिल में 3 तलाक पीड़ित महिला को भी मिले अधिकार, आरोपी पति से गुजारा भत्ता ले सकेगी। कुलभूषण मामले पर संसद के दोनों सदनों में आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बयान देंगी, 11 बजे राज्यसभा और 12 बजे लोकसभा में बयान होगा। कल लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया, कुलभूषण की मां और पत्नी के साथ पाकिस्तान में हुए बर्ताव की निंदा की थी। कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के अपमान पर भारत का कड़ा रुख, पाकिस्तान के उच्चायुक्त सोहेल महमूद को तलब कर विरोध दर्ज कराया। भारत के विदेश मंत्रालय के दफ्तर जाते वक्त पाक उच्चायुक्त ने नहीं दिए जवाब, कुलभूषण मामले पर पूछे गए थे सवाल। कुलभूषण की पत्नी के जूते पर पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा, कहा जासूसी के शक में जूता फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। जम्मू में महबूबा मुफ्ती कैबिनेट को विस्तार, आज महबूबा मुफ्ती के छोटे भाई तसद्दुक मीर बनाए जा सकते हैं मंत्री। तसद्दुक मीर के अलावा जावेद मीर मुस्तफा को भी शपथ दिलाई जा सकती है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार में मंत्री थे। मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ बीजेपी तक सीमित माना जा रहा है, बीजेपी से कोई नया मंत्री बनने के आसार कम। सीएम महबूबा मुफ्ती, कई मंत्रियों के विभाग भी बदल सकती हैं, कुछ मंत्रियों के पास कई मंत्रालय हैं। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, पहली बार राहुल गांधी अध्यक्ष के तौर पर हिस्सा लेंगे। मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल पुरोहित को बड़ी राहत मिली है, स्पेशल कोर्ट ने कर्नल पुरोहित से मकोका का चार्ज हटाया। कर्नल पुरोहित के अलावा साध्वी प्रज्ञा समेत 4 आरोपियों को भी राहत मिली, मकोका हटा लेकिन दूसरी धाराओं में केस चलता रहेगा। लोकसभा में GST संशोधन बिल पास, राज्यों के मुआवजे को लेकर संशोधन किया गया। PPF, NST समेत छोटी बचत योजनाओं पर सरकार ने ब्याज दरें घटाई, इन योजनाओं पर 0.2% की कटौती की गई है। जम्मू कश्मीर के रियासी में पुलिस और आर्मी का ज्वाइंट ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। रेलवे की तत्काल बुकिंग में धांधली के आरोपियों से आज पूछताछ संभव, 5 दिन की CBI रिमांड पर है आरोपी। दोनों आरोपियों पर रेलवे एजेंट्स को सॉफ्टवेयर बेचने का आरोप, उसी सॉफ्टवेयर की मदद से टिकट में धांधली का आरोप। दिल्ली में सरोजनी नगर में मॉडल से गैंग रेप, पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली के छतरपुर इलाके में सड़क किनारे बनी कई दुकानें सील, कन्वर्जन चार्ज नहीं देने पर MCD ने कार्रवाई की। सील की गई ज्यादातर मार्बल शॉप्स, MCD ने क्लिनिक और रेस्टोरेंट्स को भी सील किया। MCD ने कहा कि एग्रीकल्चर की जमीन का कमर्शियल यूज हो रहा है, कन्वर्जन चार्ज भी नहीं दिया गया। MCD के मुताबिक दिल्ली में कन्वर्जन चार्ज नहीं देने वाली 106 मार्केट सभी पर सीलिंग की तलवार लटकी। दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर EPCA के बाद NGT सख्त, सरकार को एक्शन प्लान लागू करने का निर्देश दिया। NGT के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा 1 महीने से लोग प्रदूषित हवा में रह रहे हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू किया अटल योजना, 10 रुपए में मिल रहा है खाना।
मुंबई में नए साल की शाम को लेकर हाई अलर्ट, कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए। मुंबई में अवैध शराब को रोकने के लिए सैटेलाइट मैपिंग की मदद ली जाएगी, एक्साइज विभाग ने तैयारी की। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, सऊदी एयरलाइंस के विमान का पहिया निकला। यूपी के रामपुर में देर से सोकर उठने पर पति ने दिया तीन तलाक, परिवार वालों के समझाने के बाद सुलझा मामला। यूपी के जालौन में बीजेपी के नेताओं पर एसडीएम से बदसलूकी का आरोप, ट्रांसफर रुकवाने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप। यूपी के सीएम योगी के खिलाफ दर्ज मुकदमा होगा वापस, राज्यपाल ने दी अनुमति, साल 1995 का मामला। गोरखपुर के बीबीगंज थाने में योगी समेत 13 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत दर्ज हुआ मामला। यूपी की राजधानी लखनऊ में अतिक्रमण से लोग परेशान, नगर निगम पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। यूपी के मथुरा में भी अतिक्रमण का बोलबाला, एंक्रोचमेंट की वजह से बढ़ जाती है जाम लगने की समस्या। यूपी के एटा में विधायक के बेटे पर मारपीट का आरोप, एमएलए देवेंद्र प्रताप का बेटा है आरोपी बल्लू। यूपी के फैजाबाद में ससुराल में धरने पर बैठी महिला, शादी के बाद पति ने महिला को घर से निकाल दिया। यूपी के बरेली में आई पाकिस्तानी दुल्हन, बरेली स्टेशन पर लोगों ने स्वागत किया। इलाहाबाद में माघ मेले की तैयारी जोरों पर, इस बार श्रद्धालुओं को पीने के लिए मिलेगा मिनरल वाटर।